दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल रवि स्टडी एकेडमी में। दोस्तों आज हम आप लोग के समक्ष NIOS डीएलएड कार्यक्रम के अंतर्गत 500 कोर्स कोड 509 के अंतर्गत ब्लॉक एक के अंतर्गत यूनिट वन के तहत जो है लर्निंग सोशल साइंस एट प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन, उसके तहत हम यहाँ पर जो टॉपिक है अंतर यानी सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के बीच क्या अंतर है, इसको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि दोनों के बीच क्या अंतर है। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के बीच क्या अंतर होता है, इसको हम कुछ बिंदुओं से स्पष्ट कर देंगे कि वाकई में सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के बीच में क्या अंतर है और क्या संबंध है। तो दोस्तों बिना देर किए हुए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए फर्स्ट है व्युत्पत्ति, यहाँ पर है व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति जो है ये सामाजिक विज्ञान में क्या होता है, तो सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन का जन्मदाता है। अभी एक और है सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन का जन्मदाता है, वही सामाजिक अध्ययन कहता है कि सामाजिक विज्ञान का उत्पाद या परिणाम है। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान का उत्पाद या परिणाम है, तो ये दोनों स्पष्ट हो जाता है। ये कह रहा है कि जन्मदाता है और ये कह रहा है कि उसका उत्पाद है। उसके बाद है संबंधों का क्षेत्र, मानवीय संबंधों के सैद्धांतिक पहलू से संबंधित है सामाजिक विज्ञान, जबकि सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों के व्यवहारात्मक पहलू से संबंधित है। कार्य का क्षेत्र, सामाजिक विज्ञान सामाजिक उपयोगिताओं की खोज करता है, जबकि सामाजिक अध्ययन प्रशिक्षण संबंधी उपयोगिताओं की खोज करता है। उपागम, सामाजिक विज्ञान एक वयस्क उपागम प्रस्तुत करता है, सामाजिक अध्ययन एक बाल उपागम प्रस्तुत करता है। फिर है अगला उपागम, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन एक आदर्श उपागम के द्वारा होता है, जबकि सामाजिक अध्ययन का अध्ययन एक प्रतिवादी उपागम के द्वारा होता है। यहाँ पर आदर्श, यहाँ प्रतिवादी सॉरी प्रगतिवादी। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान का अनुसंधान एवं बौद्धिक क्षितिज का विकास करना है। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य समाज के विभिन्न व्यवहारात्मक समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञान ग्रहण करना है। घटक क्या है, सामाजिक विज्ञान में बड़ी संख्या में विभिन्न विषय जैसे इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि शामिल है, जबकि सामाजिक अध्ययन बड़ी संख्या में सामाजिक विज्ञान से पाठ्य वस्तु का निर्माण करता है और तीन या चार विस्तृत शीर्षकों को लेवल प्रदान करता है जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र आदि, जिससे कि उन्हें विद्यालयों से पढ़ाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, संयोजन की प्रकृति, सामाजिक विज्ञान विभिन्न विषयों का मिश्रण है, जहां प्रत्येक विषय अपनी एक विशेष पहचान रखता है और एक विषय को दूसरे से आसानी से अलग किया जा सकता है। सामाजिक अध्ययन को हम मिश्रण की अपेक्षा एक ठोस संघट कह सकते हैं। यहाँ पर इस संयोग से कुछ नया प्राप्त होता है। स्पष्ट रूप से सामाजिक अध्ययन के दो भागों को अलग करना बहुत कठिन है। पाठक या पढ़ने वाले, सामाजिक विज्ञान के पाठक बहुत कम है, केवल वही जो रुचि रखते हैं एवं योग्य होते हैं वही सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं, जबकि सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य नागरिक निर्माण से ही शुरू होता है, इसलिए यह सभी के द्वारा पढ़ा जाता है। अध्ययन के अवस्था, सामाजिक विज्ञान मानव और समाज का उन्नत अध्ययन है, यह मुख्य रूप से उच्च विद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाता है।
जबकि सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान का सरलीकृत पहलू है जो मुख्य रूप से विद्यालय या बेसिक विद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाता है। क्षेत्र, जब से सामाजिक विज्ञान में नए विषयों का समावेश हुआ है इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान का एक भाग है इसलिए यह सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा संकीर्ण है। फिर यहाँ पर है क्षेत्र, सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक विषय का क्षेत्र इसके स्वयं के क्षेत्र के अंदर सीमित है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र कुछ ऐसे क्रियाकलापों से संबंधित है जो केवल अर्थशास्त्र के क्षेत्र को छूते हैं। सामाजिक अध्ययन मनुष्य के सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को एक संगठित तरीके से छूता है। जटिलता, हार्डनेस, सामाजिक विज्ञान एक सामाजिक परिदृश्य का जटिल अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान का एक सरलीकृत पहलू है जो विद्यालय या बेसिक विद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाता है। मित्रों, हमने इस चीज का भी पीडीएफ सॉरी वीडियो जो है वो बना चुके हैं, इस चीज पे बना चुके हैं, लेकिन वो इंग्लिश वर्सन में है और आप मेरे ही चैनल यानी रवि स्टडी एकेडमी पर है, उसको आप देख सकते हैं जो भी इंग्लिश में सुनना चाहते हैं उसको। तो उसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके में ये सभी है, इसके ऊपर जो भी है वो टोटल 22 मिनट का वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम जो पढ़ते हैं फुल्ली NIOS का जो PDF है उसी को पढ़ देते हैं, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो कि यह वीडियो कैसे बना दिए और ये कहाँ से मटेरियल लाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्योर NIOS का जो ये PDF है उसी को मैं रिकॉर्ड करके, यानी सिर्फ आपको सुनने के लिए, या देखते हैं या देखते हैं और सुनते हैं तो ज्यादा याद होता है, इसलिए मैंने इसको बनाया है। दोस्तों, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।